मित्र मित्र कह करके एक लड़का वहाँ बैठा हुआ था, उसका पैर छूने के लिए बोले, मित्र मैं इनका पैर छूना, आप जगह पैर छूए उनका। मैंने कहा भाई मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैं पैर नहीं छूँगा किसी का। इन्होंने कहा ऐसे कैसे कह रहे हैं, आप मेरा कहना नहीं मानेंगे। मैंने कहा आप होते कौन है, आपका कहना क्यों मानूँ मैं, आप मेरे क्लासमेट है ना, आपकी अपनी मर्यादा मेरी अपनी मर्यादा, आप पैर छूइए मैं नहीं छूँगा। इस बात का जब मैंने विरोध किया तो इन्होंने मुझे मारा, मुझ पर हाथ उठाया। जब मैंने उसका विरोध किया तो इनके पास जो भी मतलब बाल्टी टब था उठा करके उसको मारा, वो टूट गया, उधारदार बन गया, मेरे यहाँ नाक में छेद हो गया, यहाँ यहाँ लग गया, गर्दन में छेद हो गया। भारत कला भवन तक मुझे गालियाँ देते हुए, जातिगत गालियाँ, जैसे कि जो जातियों में इस्तेमाल होती हैं, चमार पासी जैसे जातिगत गालियाँ देते हुए मेरे पीछे पीछे दौड़ते चले आए। जाति है कि जाति नहीं है, आप ये कहावत एक बार नहीं बल्कि कई बार सुन चुके होंगे। दरअसल राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, या कहीं कोई भी जगह हो, जाति व्यवस्था बीच में कहीं ना कहीं आ ही जाती है। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर। एक बार फिर से मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गया है। रोहित वेमल आपको याद होगा, पायल तड़वी आपको याद होगी, जो जातिगत भेदभाव के चलते शिकार हुए, उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ी थी। इसके अलावा भी एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वाराणसी के अंदर, वहां से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक दलित छात्र की रैंकिंग इस जाति के आधार पर उसके साथ अत्याचार किया गया, भेदभाव किया गया, उसका शोषण करने की है वो कोशिश की गई। बड़ी अपडेट है, और इस मामले के अंदर जब तक लोगों ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया तब जाकर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। हिंदू जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है काशी का या वाराणसी का, वहां पर दलित समुदाय से रहने वाले संतोष कुमार नाम के एक दलित छात्र को उसी की इसी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सर्वण अपर कास्ट के एक व्यक्ति शुभम कुमार ने कहा कि मेरे और मेरे साथियों को आपके पैर छूने पड़ेंगे, सभी के आपको पैर छूने हैं। अगर जब इस बात को लेकर संतोष ने मना कर दिया तो शुभम और उसके साथियों ने उसके साथ बेरहमी से मार पिटाई की, बुरी तरीके से उसको पीटा। इस मामले को लेकर उसने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पहले पुलिस ने इस मामले को नहीं संज्ञान में लिया, लेकिन उसके बाद जब इस मामले में विरोध प्रदर्शन हुआ तो पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को खिलाफ SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है और आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विश्वविद्यालय में पढ़ने लिए जाते हैं, जिस विश्वविद्यालय में हम ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते हैं, वहां पर भी जातिवादी व्यवस्था या जातिवादी मानसिकता के लोग कहां से आते हैं, कहां से पाए जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। दरअसल जाति एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी के आपको बता देगी स्कूल में नहीं बल्कि घर से, जब बच्चा पेट से निकलने के बाद इस धरती पर आता है तो सबसे पहले उन्हें इन्हीं चीजों के बारे में सिखाया या बताया जाता है। यही वजह है कि भारत में जाति व्यवस्था खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ हम विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत में ही अपने ही लोगों के साथ भेदभाव शोषण की खबरें लगातार आम है। बिलेन कृष्ण वीडियो अपडेटों के साथ तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर